दोस्तों, एक बहुत ही जो क्रिटिकल स्टेज है, जितने भी बातज रोगी हैं वो है डिस्क प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। ये जितना भी डिस्क प्रॉब्लम है, L4 है, L5 है और S1, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि S1 क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैक्रम का जो फर्स्ट वर्टिब्राज है उसको S1 का नाम दिया गया है, L4, L5 और S1। बहुत सारे जो लोग हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं, जो इसके वर्टिब्राज में प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, L1, L2, L3, L4, L5, यानी कि लंबर के जो पांच मणके हैं, फाइव वर्टिब्राज हैं, उसमें क्या होता है कि कई बार जो जिसमें रीढ़ की हड्डी का वर्टिब्राज का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, या फिर जो गैप है कई बार घट जाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों बहुत सारे लोग वो फिजियोथेरेपी के पास फिजियोथेरेपी कराते हैं और फिर भी उनको आराम नहीं होता। बहुत सारी दवाइयां खाने के बावजूद उनको फ़ायदा नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि जो उनकी नसों में बात रच जाता है उसकी वजह से वो उनकी जो कमर है वो जकड़ जाती है। और L4 और L5 का वर्टिब्राज जो है वो सबसे ही मेजर वर्टिब्राज हैं, क्योंकि L4 की वजह से साइटिका प्लस यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कई बार ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आदमी को पेशाब वगैरह करने का भी पता नहीं चलता कि मुझसे पेशाब कब हो गया। L5 की वजह से जो आदमी को प्रॉब्लम आती है, जितनी भी टांगे हैं, पैरों के पंजे हैं या जांघें हैं, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। S1 का है जो हमारे हिप्स हैं, उनमें ज़्यादा S1 की वजह से प्रॉब्लम होती है। दोस्तों कई बार ये चोट लगने के कारण हो जाता है, या कई बार ओवरवेट की होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, या फिर जैसे हम बहुत ही जो बात है यानी कि बाय वाली चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जब कभी कोई आदमी सुबह सुबह या कोई औरत सुबह सुबह पानी की बाल्टी उठाते हैं, या उठकर जैसे सुबह उठते हैं और चलते हैं, या बैठे हैं तो जैसे ही उठेंगे तो उनकी कमर जो है वो एकदम लोच खा जाएगी और नतीजा वो डिस्क प्रॉब्लम शुरू। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी अपनी पर्सनल खोज है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। दोस्तों इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल खोज है। और मैं एक चीज़ मेजर बता चीज़ बताने वाला हूँ कि पटना से मुझे 5 दिन पहले फ़ोन आया कि उस रोगी को डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा और जल्दी करवाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे इस नुस्खे का प्रयोग किया तो 15 दिनों में उस रोगी को 70% फ़ायदा हो गया, 70% 15 दिनों में, महज विदाउट मेडिसिन। तो दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे जो मेरे को फ़ोन आते हैं डिस्क प्रॉब्लम वाले, तो मुझे बार बार ये चीज़ें बतानी पड़ती है और मुझे उनसे लंबी बात करनी पड़ती है। इसके वजह से मैं ये ऐसा कह रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं मेडिसिन भी बताने जा रहा हूँ, और ये जो मैं डेमो वीडियो डाल रहा हूँ बहुत ही मेजर है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखना और ध्यानपूर्वक मेरी हर बात को सुनना। तो दोस्तों ये जो मेरा डेमो जो सबसे एक मेजर वीडियो है, मतलब डिस्क प्रॉब्लम वालों के लिए, दोस्तों इसको बड़े ध्यानपूर्वक आपने देखना भी है और उस मेरी हर बात को ध्यानपूर्वक शेयर भी करना है। और दोस्तों मैं एक चीज़ ज़्यादा नहीं तो 90% ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन रोगियों को डिस्क L4 L5 वालों को या दबी नस वालों के लिए जिन डॉक्टरों ने कह दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोस्तों विदाउट ऑपरेशन वो लोग ठीक हो सकते हैं। और इसके साक्षात उदाहरण जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं। अब मैं बात चलता हूँ, सबसे पहले लोगों के जो प्रश्न आते हैं मुझे कि मैंने लहसुन का तेल बनाना सभी को सिखाया है, तो अब मुझे फ़ोन आएगा किसी का कि लहसुन का तेल कैसे बनाना है, तो मैं सीधा उस व्यक्ति को, उस रोगी को ये वीडियो के लिंक सेंड कर दूंगा, वो पूरा देख ले, उसको पूरा, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है, लंबर की या टांगों की कोई भी प्रॉब्लम है, कृपया इस वीडियो को आप देखें और पूरा देखें। तो लीजिए दोस्तों, पहले तो मैं लहसुन का तेल जो है मैंने पूरा लिख दिया इसके ऊपर, 250 ग्राम सरसों का तेल है और इसमें आप 50 से 100 ग्राम तक अपना लहसुन डाल सकते हैं,
और बनाने की विधि मैंने पूरी लिख दी है इसके ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं इसको आप। और जब भी इसको आपने तेल बनाना है तो हल्की आंच के ऊपर ही इसको पकाना है, कोशिश ये करनी है, और बाद में इसको बारीक कपड़े से छान लेना है ताकि आपका जो लहसुन में जो तेल है वो रच जाए। तो दोस्तों आज हमारा जो यहाँ मौसम है बहुत ठंडा ठंडा है, हल्की हल्की बारिश की फुहारें भी चली हैं और बादल भी हैं, बादल गरज रहे हैं। तो अगला नुस्खा मेरा ये है दोस्तों, जितने भी रोगी बातज रोगी हैं, मतलब जितने भी घुटने से पीड़ित, कमर दर्द से पीड़ित, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जिस प्रकार का 84 प्रकार का बात होता है शरीर में, तो ये 84 प्रकार के बात को ख़त्म करने वाली ये नुस्खे हैं, छोटे छोटे और घरेलू नुस्खे हैं। जैसे आधा ग्राम आधा चम्मच आपने लहसुन का वो स्वरस ले लिया, आधा चम्मच आप सरसों का तेल ले सकते हैं और दोनों को मिलाकर आपने उसको पी लेना है। दोस्तों ये बातज रोग के लिए सबसे ज़बरदस्त मेडिसिन है और आपके घरेलू है। सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। दूसरा इसी का प्रयोग है, जैसे आपने आधा चम्मच या एक चम्मच लहसुन का रस ले लिया और एक चम्मच आपने घी का लेकर के उसको आप पी सकते हैं, और मतलब दोनों में से एक को आप कर सकते हैं आराम से। और दोस्तों अगली बात आती है कि कई बार कमजोरी की वजह से भी आदमी को कमर में दर्द रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, कई बार नसें कमज़ोर होती हैं, तो उसके लिए क्या करना है, एक शिलाजीत कैप्सूल प्लेन वाला रोज खाना है और एक बलारिस्ट, ये सभी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, एक बलारिस्ट और मैंने नीचे लिखा है एक बलारिस्ट और एक ये जो प्लेन शिलाजीत का कैप्सूल है वो आपको ये डेली लेना है। शिलाजीत पीने जो एक कैप्सूल डेली और बलारिस्ट जो है उसके दो दो ढक्कन आपने पानी में मिलाकर पीने हैं।